ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का जो है आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। गुडियर के टायर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मुझे रियर से जो इसकी प्रोफाइल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको फ्रॉन्ग सी बैजिंग मिल जाती है, 308 लीटर का जो है यहाँ पर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे मिल जाती है, ड्राइवर सीट की हाइट जो है आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको डोर में ही जो है ये एक जो है पटल लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्ग्स अल्फा वेरियंट की। इसमें आपको दो पेट्रोल, दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और दूसरा 1.2 लीटर नॉर्मल वाला जो है पेट्रोल इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अल्फा वेरिएंट है, इसमें आपको केवल 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलता है, जो कि आपको 148 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क देता है। और बीएचपी की अगर हम बात करें तो 99 बीएचपी की पावर जो है ये इंजन प्रोड्यूस करता है। विड्थ की बात करेंगे तो आपको 1765 एमएम की जो है विड्थ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेंथ की बात करेंगे तो 3995 एमएम की लेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और हाइट आपको यहाँ पर 1550 एमएम की देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का जो है आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, और व्हील बेस आपको यहाँ पर 2520 mm का देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 5 ईयर्स की वारंटी जो है यहाँ पर आपको इसमें कंपनी दे देती है, दो साल की कंपनी की तरफ से, और 3 ईयर्स जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो 13,55,000 ऑन रोड आपको जो है यहाँ पर पड़ती है, उसमें 20,000 रुपये की एक्स सीरीज जो है वो इंक्लूड है। अभी हम हैं मारुति सुजुकी इटावा के शोरूम पर, और इसका जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप शुरुआत कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो सबसे पहले आपको फ्रंट में यहाँ पर बड़ा सा सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है, और वहीं पर आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है, और फ्रंट ग्रिल ये आपकी देख सकते हैं आप ब्लैक कलर में दी गई है, और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको जो है देखने को मिल जाता है। ये आपका टोइंगो का आ गया, और स्किड प्लेट्स आपको सिल्वर फिनिश में मिलती हैं, और ये साइड में यहाँ पर आपको DRS भी मिल जाती हैं, DRS का इंडिकेटर, ये जो है इंडिकेटर का भी काम करते हैं, और DRS भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट का सेटअप यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिया गया है, तो इसमें दो जो है ये लो बीम के लिए, और एक ये जो है ये आपको हाई बीम के लिए देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके की जो है आपको यहाँ पर साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। ORVM पे ही आपको जो है टर्न सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको कैमरा की प्लेसिंग भी देखने को मिल जाती है टॉप मॉडल का। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गुडियर के टायर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 4 नट का सेटअप मिल जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो 195/60R16 का जो है यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल दी जा रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं साइड क्लैडिंग आपको जो है ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। अब रियर की अगर हम बात करें तो रियर में आप देख सकते हैं किस तरीके का जो है काफ़ी एग्रेसिव लुक जो है दिया गया है, मुझे रियर से जो इसकी प्रोफाइल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, शार्फन एंटीना मिल जाता है, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ्रॉन्ग सी बैजिंग मिल जाती है, और ये जो है बैकलाइट्स आप देख सकते हैं LED में आपको सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और सिल्वर फिनिश में आपको जो है स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, और ये जो है नीचे की तरफ आपको टोइंग हुक देखने को मिल जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर नेक्सा की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। अब इसका बूट स्पेस जो है आपको एक बार खोल के दिखाते हैं, 308 लीटर का जो है यहाँ पर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, पार्सल ट्रे मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बूट लैंप भी मिल जाती है, उसमें बटन भी मिल जाता है, ऑन ऑफ आप जो है उसको कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको स्टील व्हील जो है एज अ स्पेयर व्हील दिया जा रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं गाड़ी के अंदर जो है आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड में आपको इक्वेशन सेंसर देखने को मिल जाता है। डोर पैनल की बात करें तो डुअल टोन में आपको डोर पैनल मिल जाता है, ब्लैक और ब्राउन सा कलर है, ये ब्राउन सा कलर दिया गया यहाँ पर। ये आपके क्रोम डोर हैंडल्स आ गए, यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ये आपका ग्रैब हैंडल आ गया, यहाँ से आप जो है ORVM को सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा फोल्ड एंड फोल्ड भी आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। ये आपके ट्विटर्स आ गए, यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, और कुछ स्पेस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ड्राइवर सीट की हाइट जो है आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करने का लीवर मिल जाता है, और फ्यूल लीड जो है ओपन करने का लीवर देखने को मिल जाता है, और 37 लीटर की जो है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर मिल जाती है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, देखते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं डी कट स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इसकी सबसे पहले हाइट का मैं देख लेता हूँ,
तो इसमें आपको जो है देखिए टिल्ट ऑप्शन मिल जाता है और टेलीस्कोपिक जो है नहीं दिया जा रहा है। अब कंपनियों ने, मुझे लगता है सारी कंपनियों ने धीरे धीरे टेलीस्कोपिक देना जो है बंद कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं HUD डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, 360 व्यू यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा स्टेयरिंग पर आप देख सकते हैं बीच में सुजुकी का लोगो, डी कट स्टेयरिंग व्हील, यहाँ से कॉल के आप जो है फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोड्स वगैरह जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना जो है क्रूज कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, बीच में MID की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो है डिजिटल दी जा रही है। इसके अलावा स्पीडोमीटर और ये जो है आपको टैकोमीटर जो है ये आपको मैनुअल में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपकी HUD ओपन होती है, ये हमको अभी जो है चाबी मिल नहीं पाई, अवेलेबल नहीं हो पाई, इस वजह से दिखा नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सनवाइजर में ड्राइवर साइड में आपको जो है वैनिटी मिरर भी मिल जाता है और एक लैंप भी देखने को मिल जाती है हेलोजन में। इसके अलावा केबल लैंप आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेलोजन में दी जा रही है, माइक की प्लेसिंग मिल जाती है, ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा को ड्राइवर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट फोल्ड वाले जो है आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप टच स्क्रीन आपको जो है आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन वाला मिल जाता है और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, हैजार्ड लैंप का बटन मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे जो है इसको रखा गया है, जो इंटीरियर है इसका फ्रॉन्क्स का वो जो है थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश का जो है यूज़ किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं दो, एक USB पोर्ट का मिल जाता है, टाइप सी शायद आपको पीछे दिया गया होगा, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, दो कप होल्डर का स्पेस और 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बीच में तो कोई आगे जो है आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक आ गई मैनुअल वाली, सिल्वर टिप मिल जाती है, आर्मरेस्ट आपका आ गया इसमें जो लॉक दिया जाता है, थोड़ा सा स्पेस जो है इसमें आपको मिल जाता है, बाकी आर्मरेस्ट जो है ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है आजकल तो उसके हिसाब से जो है ठीक ठाक जो है दिया गया है आपको। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लव बॉक्स में जो स्पेस आपको कितना है ठीक ठाक जो है दिया गया है, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। आप चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं रियर सीट में आपको जो है क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। एक चीज और, यहाँ पर आपको डोर में ही जो है ये एक जो है पटल लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये अच्छा फीचर है। यहाँ पर क्वार्टर पैनल आ गया और रियर डोर भी आपको जो है डुअल डोर में देखने को मिल जाता है, क्रोम डोर हैंडल आ गए, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, पावर विंडो का बटन, उसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ किया गया है, डोर हैंडल आ गया, बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस और स्पीकर यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर सीट है उसकी हाइट, ड्राइवर सीट को 6 feet हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया था, उसके बाद आप देख सकते हैं नीज पे जो है काफ़ी सही बच गया है, मतलब कि स्पेस के मामले में दिक्कत यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की नहीं लग रही है। बाकी फ्रंट में आप देख सकते हैं दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और यहाँ पर देखिए एक केबल लैंप यहाँ पर भी बीच में भी आपको दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एडजस्टेबल तीनों पैसेंजर्स के लिए रियर सीट पर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, ऑल दो यहाँ पर जो है आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन 60-40 स्पीड का ऑप्शन जो है आपको इस सीट पर रियर ज़रूर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा यार मुझे चीप लगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है इनको थोड़ा सा और प्रीमियम कर देना था, बाकी रियर AC वेंट दी गई ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक USB और एक टाइप सी, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है, यहाँ पर एक टाइप सी दे दी गई, आजकल जो है टाइप सी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप कुछ स्पेस देख सकते हैं, मोबाइल वगैरह आप चार्जिंग में लगाते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हम्प आ गया, थोड़ा सा हम्प दिया गया, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर रियर सीट में आपको देखिए सॉफ्ट फोल्ड वाले डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको कोट हैंगर की प्लेसिंग भी जो है देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सीट बेल्ट जो है आपको नॉन हाइट एडजस्टेबल मिलती है, हाइट एडजस्ट की आप नहीं कर सकते। तो ये था भाई हमारा मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स अल्फा वेरिएंट का रिव्यू, होपफुली आपको जो है रिव्यू पसंद आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।